हेलो गाइस, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं सनस्क्रीन की। एंड जो मैं आपके लिए ब्रांड लाई हूँ आज, ये वन ऑफ द बेस्ट ब्रांड्स है सनस्क्रीन का, विच इज़ कैन पेकी। एंड दिस इज़ अ जापनीज़ ब्रांड, बेसिकली यहाँ ऊपर लिखा भी है जापनीज़ में। एंड हम सब जानते हैं कि जो जापनीज़ और कोरियन ब्रांड्स होती हैं, ये इनका जो फॉर्मूला होता है ऑफ स्किन केयर का, ब्लेंड करने का, वो कितना मस्त होता है, स्पेशल होता है फॉर हमारी स्किन। तो आज हम लोग इसका रिव्यू देखने वाले हैं कैन पेकी का। एंड इसकी पैकेजिंग जो है वो काफ़ी मस्त है, कार्डबोर्ड पैकेजिंग है। एंड लेट्स ओपन इट। ये मैंने परचेज़ करी थी फ्रॉम अ मार्केट, तो मुझे ये पड़ी है ₹680 की, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं मेंशन है। और इसका बेसिकली अभी पैकेजिंग ऐसा है, और ये 80 ग्राम है। ये ऑल स्किन टाइप है, फॉर नॉर्मल स्किन एंड ऑयली स्किन, ऑल स्किन टाइप है। एंड मैंने ये सोलर प्रोटेक्ट 40 SPF वाली इसलिए मंगाई है, बिकॉज़ जो 50 SPF वाली होती है वो काफ़ी बार ऐसा होता है कि हार्श हो जाती है थोड़ी, तो मैं रिकमेंड करूँगी कि आप 40 SPF लीजिए, इट इज़ वेरी सूटेबल। इसकी पैकेजिंग आप देख सकते हैं इस तरीके से है, एंड इट इज़ ऑफ कार्डबोर्ड। यहाँ पर कुछ गाइडलाइंस दी गई हैं फॉर यूजेज, एंड ये है हमारी सनस्क्रीन विच इज़ ऑफ 80 ग्राम, और ये कुछ इस तरीके से है। इसकी क्वांटिटी आपको जितनी लेनी है वो ये है, इतनी क्वांटिटी में आपको इसको लेना है, और इसको पूरे फेस में टैप करके अप्लाई करना है। बेसिकली मैं ये आपको रिकमेंड करूँगी, बिकॉज मुझे 3 महीने हो गए हैं इसको यूज़ करते हुए, एंड इतनी जो आपकी 80 ग्राम है ये 3 मंथ्स अराउंड आराम से चल जाती है। ये अगर आप यूज़ करेंगे तो आपको 3 महीने से 4 महीने ये चल जाएगा, अगर आप इससे ज़्यादा भी चल सकता है, लेकिन अगर एक पर्सन इसको यूज़ करे दिन में 2 से 3 बार भी यूज़ करेंगे तब भी ये आराम से 3-4 महीने चल जाएगा फॉर 1 पर्सन। एंड इसका सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि इसका, इसमें जो फॉर्मूला यूज्ड है वो जिंक ऑक्साइड का फॉर्मूला यूज़ है, जैसे कि यहाँ लिखा है आप देख सकते हैं, जिंक ऑक्साइड का फॉर्मूला यूज्ड है, और ये UVA और UVB दोनों से प्रोटेक्ट करता है। सो इट इज़ अ वेरी लाइक बेटर काइंड ऑफ, आपको बेनिफिशियल है ये बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये ऑल स्किन टाइप है, तो जिनकी स्किन बहुत क्रैकी हो जाती है या फट जाती है, या जो जिनकी, क्योंकि मॉइस्ट स्किन है, ऑयली स्किन है, सबके लिए ये बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है, बिकॉज़ ये ऑल स्किन टाइप है कि ये ग्रीजी नहीं है, ये वाइट कास्ट नहीं छोड़ता है, और बहुत ही लाइट है। अप्लाई करने के बाद ये लगता है स्किन में कुछ लगाया ही नहीं है, बहुत ही लाइट है। एंड ये सबसे प्लस पॉइंट है कि ये वाइट कास्ट आपके में छोड़ता ही नहीं है, जैसे और सनस्क्रीन है वो वाइट कास्ट छोड़ती है, बट इट डजंट लीव एनी वाइट कास्ट, एंड इट इज़ वेरी लाइट टू अप्लाई। सो आई विल हाईली रिकमेंड यू कि ये वाली सनस्क्रीन आप यूज़ करें, एंड कमेंट डाउन बिलो इफ़ यू लाइक माई रिव्यू। थैंक यू, बाय बाय।